तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। वर्ल्ड फूड डे, ये था 16 अक्टूबर को, और वर्ल्ड फूड डे का जो थीम था वो था आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, हेल्दी डाइट्स फॉर ए जीरो हंगर वर्ल्ड। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पे हंगर बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी। आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी मिटाने के लिए जो इंटरनेशनल डे है वो है 17 अक्टूबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका थीम था एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रन देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी। हमें बच्चों को, उनके परिवारों को और उनके समुदायों को, सबको एम्पावर करना है जिससे गरीबी खत्म हो सके। वर्ल्ड मैथ्स डे, वर्ल्ड मैथ्स डे था 15 अक्टूबर को। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड मैथ्स डे था 15 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, हमें सबको अपने हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए जिससे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, क्योंकि बिना हाथ धोए खाना खाने से कई तरह की बीमारियों को हम आमंत्रण देते हैं। सो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे था 15 अक्टूबर को, और इसका थीम था क्लीन हैंड्स फॉर ऑल। एक बात याद रखिए, जो वर्ल्ड मैथ्स डे है और जो नेशनल मैथ्स डे है, दोनों में फर्क है। जो भारत है, भारत में हम मैथ्स डे मनाते हैं श्रीनिवास रामानुजम का जो बर्थडे होता है 22 दिसंबर को। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था कुंभकोणम तमिलनाडु में, उनका बर्थडे इंडिया में होता है मैथ्स डे 22 दिसंबर, लेकिन दुनिया में होता है मैथ्स डे 15 अक्टूबर। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसके अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे था 20 अक्टूबर को, और इस बार इसका थीम था दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस, दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। पुलिस कोमेमोरेशन डे, जिसे हम पुलिस शहीदी दिवस या मार्टर्स डे भी बोलते हैं, ये था 21 अक्टूबर को, पुलिस कोमेमोरेशन डे। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ये मिलेगा आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। सो ये था 23 अक्टूबर को। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, स्टटरिंग बोलते हैं जब कोई अटक अटक के बोलता है, तो इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे था अगेन 22 अक्टूबर को था ये, और इसका थीम था ग्रोथ थ्रू स्पीकिंग। यूनाइटेड नेशंस बना था 24 अक्टूबर 1945 को, सो यूनाइटेड नेशंस डे था 24 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। वर्ल्ड पोलियो डे, ये 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। पोलियो की दवाई बनाई थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जोनास साल्क, SALK। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे था, यह भी 24 अक्टूबर को था। इंटरनेशनल एनिमेशन डे था 28 अक्टूबर। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 27 अक्टूबर। इसका थीम एंगेज द पास्ट थ्रू साउंड एंड इमेजेस। वर्ल्ड स्ट्रोक डे था 29 अक्टूबर को। इसका थीम था कट स्ट्रोक इन हाफ। और इंटरनेशनल इंटरनेट डे, 29 अक्टूबर 1969 को पहला इंटरनेट मैसेज भेजा गया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो 29 अक्टूबर को इसलिए हम मनाते हैं इंटरनेशनल इंटरनेट डे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट श्रद्धांजलियां जो 15 दिन में हुई, 15 से 31 अक्टूबर तक। ओबिचुअरी, सारा डेनियस जो हैं ये पहली महिला थी जो नोबेल कमेटी की हेड थी, तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी हेड थी, पहली फीमेल, उनकी डेथ हो गई। क्यूबा की बहुत बड़ी बैले डांसर एलिसिया अलोंसो, इनकी डेथ हो गई। आपको याद रखना है ये डांसर थी और ये क्यूबा से थी। मशहूर पेंटर कालिदास कर्माकर, इनकी डेथ हो गई। ये बांग्लादेश के थे, हिंदू थे लेकिन बांग्लादेश से थे, कालिदास कर्माकर। ओरेकल कंपनी के सीईओ मार्क हर्ड, ये को फाउंडर थे उनके, ओरेकल के मार्क हर्ड, इनकी डेथ हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और ओरेकल ने अभी अभी अपना पहला डेटा सेंटर खोला है इंडिया में, मुंबई में। मशहूर राइटर और फिलोसोफर के बी सिदैया की डेथ हो गई। दादा चुगोले, ये इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला हुआ था, ये रेसलर थे, इनकी डेथ भी हो गई। टीपी राधामणि, एक एक्ट्रेस थी मलयाली और तमिल फिल्मों में, इनकी डेथ हो गई। मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखते थे, KR वाधवानी, इनकी डेथ भी हो गई। दिलीप पारेख बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनकी डेथ हो गई। ये सिर्फ 6 महीने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अक्टूबर 97 से मार्च 1998, दिलीप पारेख। पद्म अवार्ड जीत चुकी योगा गुरु
वी ननम्मल इनकी डेथ हो गई, ये बहुत पॉपुलर थी और 99 की एज में इनकी डेथ हो गई। मशहूर पॉप स्टार सली, ये साउथ कोरिया से थी और बहुत कम एज में 25 की एज में इनकी डेथ हो गई, तो इनका नाम था सली। डॉन वैलेंटाइन सिक्वा कैपिटल के फाउंडर थे, बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है सिक्वा कैपिटल, उसके फाउंडर डॉन वैलेंटाइन की डेथ हो गई। चलिए अब एमसीक्यू फॉर्मेट पे लौटते हैं। वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में? यहां पे टेनिस की बात नहीं हो रही है, टेनिस वाला जीता था राफेल नडाल ने मेंस में, और एशले बार्टी ने, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले बार्टी, इन्होंने जीता था वुमेन्स में, और एशले बार्टी को इसीलिए द डॉन नाम का अवार्ड भी मिला था। द डॉन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। यहां बात हो रही है बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में ये जीता आन सी यंग ने, वुमेन्स में आन सी यंग, और मेंस में जीता चैन लॉन्ग ने, चैन लॉन्ग। आन सी यंग जो है ये कोरिया की खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है, शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया। फिलिप न्यूसी ये कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? ये बने हैं मोजाम्बिक के, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट बने हैं फिलिप न्यूसी। और कुछ और आपको विदेशी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बताता हूं। एंटोनियो कोस्टा पहले पोर्तुगल के प्रधानमंत्री थे, अब दोबारा बन गए हैं, इन्होंने इलेक्शन जीत लिए हैं, ही इज वेरी पॉपुलर एंटोनियो कोस्टा। सोफी विल्म्स ये बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। काइस सायद ये टूनिशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, काइस सायद। जोको विडोडो दोबारा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, जोको विडोडो। मोगक्वीट्सी मासीसी ये दोबारा बोट्सवाना के प्रेसिडेंट बन गए हैं, चुनाव जीत गए ये, मोगक्वीट्सी मासीसी। अल्बर्टो फर्नांडेज ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं मोरिसियो माकरी को हराकर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्बर्टो फर्नांडेज। ईवो मोरेलेस ये बोलिविया के इलेक्शन जीत गए हैं और वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ईवो मोरेलेस। सो ये सारे विदेशी वो थे 15 दिन के अंदर जो नए बने हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। एक नई कमेटी बनी है भारत में टेलीकॉम सेक्टर को फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकालने के लिए। ये कमेटी इस बात पे भी बात करेगी कि जो बैंक हैं वो दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, यानी उनको बेल आउट पैकेज वगैरह दे सकते हैं। इस कमेटी का नाम क्या है? टेलीकॉम सेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो कमेटी बनी है उसका नाम रखा गया है राजीव गाबा कमेटी, क्योंकि इस कमेटी के चेयरमैन है राजीव गाबा, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा। सिर्फ 7 महीनों के अंदर दुनिया की 14 सबसे हाईएस्ट पीक्स माउंटेन की क्लाइंब करने वाला व्यक्ति कौन बना? इनका नाम है निर्मल पुजरा, निर्मल पुरजा, और ये हैं नेपाल के, ये भी याद रखिए। सिर्फ 7 महीनों में दुनिया की जो हाईएस्ट पीक्स हैं 14, उनको क्लाइंब किया इन्होंने। और एक बुक है रस्किन बॉन्ड ने लिखी अभी अभी, जिसका नाम है कमिंग राउंड द माउंटेन, कमिंग राउंड द माउंटेन। माउंट लियो पर्गिल हिमाचल में है, इसको क्लाइंब किया इंडियन आर्मी ने अभी अभी, ये हिमाचल प्रदेश का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है माउंट लियो पर्गिल। कजिन सारा लेक है नेपाल में, ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पे लेक है, नया रिकॉर्ड बनाया ये, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक नाउ, कजिन सारा लेक। नेपाल के व्यक्ति हैं कामी रीटा, माउंट एवरेस्ट को इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड 23 टाइम्स क्लाइंब किया है। और पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था उनका नाम था सर एडमंड हिलरी, न्यूजीलैंड के थे। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी इन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचाई पे वेदर स्टेशन बनाया है माउंट एवरेस्ट के ऊपर, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी अमेरिका का एनजीओ है ये। और 29 मई को होता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। और जो दीपा मलिक हैं इन्हें मिली है न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन से सर एडमंड हिलरी फेलोशिप, ये भारत की पैरा ओलंपियन है, पैरा खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो है वियना में, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस में, तो इनका नाम है राफेल ग्रॉसी, और ये अर्जेंटीना के हैं, राफेल ग्रॉसी। एक मिलता जुलता नाम है ग्रॉसी से, वो है मेसी, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के, पूरा नाम है लियोनल मेसी। इन्हें इस साल गोल्डन बूट मिला है क्योंकि इन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए। कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बंद करने के लिए एक कानून बनाया है, उसको रेगुलेट करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह की स्लेवरी है, एक तरह की बंधवा मजदूरी है, इट्स अ फोर्स लेबर, तो इसके खिलाफ जो कानून बनाया है वो तमिलनाडु ने बनाया है, तमिलनाडु।
अभी अभी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द अनक्वाइट रिवर। ये किसने लिखी है? अनक्वाइट रिवर को लिखा है अरूप ज्योति साकिया ने। ये रिवर इंडिया में मेनली असम में बहती है। और दो तीन किताबें और याद रखिए, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर, बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दोनों ने शुरू करी थी माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में है बिल गेट्स। तो इन्होंने किताब लिखी है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। इसके अलावा जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं इस वक्त एन चंद्रशेखरन, तो उन्होंने किताब लिखी है ब्रिजिटल नेशन, ब्रिजिटल नेशन। और कश्मीर के ऊपर एक किताब लिखी है काशीनाथ पंडित ने जिसका नाम है 10 स्टडीज इन कश्मीर। ये कश्मीर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में, 10 स्टडीज इन कश्मीर। एक किताब है क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट कंट्री, ये लिखी है प्रशांत किदंबी ने, क्रिकेट कंट्री। कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्हें राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये जो समिट है ये होगी हिमाचल प्रदेश में, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है यामी गौतम, और ये समिट होगी हिमाचल में धर्मशाला में। इंडियन रेलवेज का जो सेंट्रल रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उन्होंने जो एजेंट होते हैं जो टिकट्स के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं उनको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन धनुष, ऑपरेशन धनुष। प्रखर, प्रखर नाम की जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं जैसे चोरी करना या ईव टीजिंग ये सब, या किसी तरह की लड़ाई, रायट्स, मॉब लिंचिंग, तो एंटी स्ट्रीट क्राइम वैन प्रखर किसने शुरू करी है? प्रखर शुरू करी है दिल्ली पुलिस ने। कौन सा कंट्री है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है? भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस, और ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने रशिया की हेल्प से बनाई है। कॉस्मिक येटी क्या है? कॉस्मिक येटी जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना है उसके वैज्ञानिकों ने नया गैलेक्सी खोजा है, तो आंसर है नया तारों का समूह यानी गैलेक्सी। भारत की सरकार जो है उन्होंने जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए एक कॉमन फाउंडेशन कोर्स बनाया है, इसका नाम क्या है? फाउंडेशन कोर्स सिविल सर्वेंट्स के लिए, इसका नाम रखा गया है आरंभ, आरंभ। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ये शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करेंगे और वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एससीओ मीट कहां पे होगी जहां पे ये जाएंगे? एससीओ मीट होगी उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। शरद अरविंद बोबड़े भारत के नए चीफ जस्टिस बने हैं, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? ये हैं नागपुर से, महाराष्ट्र से, और ये हैं 47वें चीफ जस्टिस, 47। भारतीय मूल के कौन से सीईओ हैं जो दुनिया के बेस्ट 10 सीईओ में आए हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से? तो अजय बांगा जो सीईओ हैं वो हैं मास्टर कार्ड कंपनी के, सुपर इंपॉर्टेंट। शांतनु नारायण है एडोबे के, और सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के। तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही सीईओ दुनिया के 10 बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ में हैं। और दुनिया का नंबर वन सीईओ कौन है? उनका नाम है जेनसन हुआंग, और इनकी कंपनी है एनविडिया, एनविडिया ग्राफिक कार्ड बनाती है वीडियो गेम्स के लिए, एनविडिया, जेनसन हुआंग। निर्मला सीतारमन, इन्होंने अभी अभी एक कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया है परमहंस योगानंद की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में? ये थी इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी। इनकी एक किताब आप जरूर पढ़ना जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। कौन सा साइक्लोन है जो अरेबियन सी में सबसे पावरफुल साइक्लोन आया है पिछले 12 सालों में? इसका नाम है साइक्लोन क्यार। तो इंडिया के इन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा वगैरह को अफेक्ट किया है जो भारत के वेस्टर्न कोस्ट में है। जो अबू बकर अल बगदादी है वो मारा गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ये आइसिस का चीफ था अल बगदादी, और ये ऑपरेशन था ऑपरेशन कायला मुलर, ऑपरेशन कायला मुलर। बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इनका नाम है सोफी विल्म्स, सोफी विल्म्स। इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और इसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। तो इरडई ने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए कमेटी बनाई है, इसका चेयरमैन किसे बनाया है? इसके चेयरमैन बनाया गया है अभी अभी मिस्टर एस सदागोपन को, एस सदागोपन। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की एप्लीकेशंस जो हैं उनको इवेल्युएट करेगी।
रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो होता है ये फिनटेक कंपनीज के लिए होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये रुपए कार्ड इन्होंने लॉन्च किया कौन से कंट्री में? पहले लॉन्च किया था इन्होंने, सबसे पहला जो कंट्री था वो था सिंगापुर जहां पे लॉन्च किया था, फिर था भूटान, फिर था यूएई और अब है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में लॉन्च किया है रुपे कार्ड। कौन सा आईआईटी है जिसने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भुवनेश्वर के साथ मिलकर एग्रीकल्चर वेस्ट को बायो ब्रिक्स में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी बनाई है? यह बनाई है आईआईटी हैदराबाद ने। आईआईटी हैदराबाद बायो ब्रिक्स बनेंगी बायो वेस्ट से। एक बात और याद रखिए, एक प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था ध्रुव। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुआ था, बेंगलुरु में जो हेडक्वार्टर इनका वहां से, और आईआईटी दिल्ली में कंक्लूड हुआ। ये किसके लिए था? क्लास 9 से क्लास 12वीं तक के जो बच्चे हैं, 9, 10, 11 और 12, उनके लिए था, उनके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो इस प्रोग्राम का नाम था ध्रुव। और आईआईटी मद्रास भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एग्जॉन मोबिल के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है। ये एनर्जी और बायोफ्यूल्स के ऊपर रिसर्च करेंगे अगले 5 साल। इसके अलावा अगर मैं आईआईएम बेंगलोर की बात करूं तो इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप करी है और एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी 2 अक्टूबर को, तो उस उपलक्ष्य में किया गया था ये आईआईएम बेंगलोर के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये खोज करी है अभी अभी कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो है उसके पास एक मैरीटाइम सेंटर था आज से 2000 साल पहले। कौन सी नदी के किनारे था ये? आंध्र प्रदेश का मैरीटाइम सेंटर स्वर्णमुखी नदी के किनारे था, स्वर्णमुखी। कौन सी एयरलाइन है जिसने एक ओमकार का लोगो लगाया अपने प्लेन के ऊपर, प्लेन की जो ऊपर ये विंग ये होता है टेल, इसके ऊपर? क्योंकि गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी है 12 नवंबर को, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये बनाया एयर इंडिया ने। और इंडिगो भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जिसके पास 245 प्लेन्स हो गए टोटल, 245 प्लेन्स, ये फर्स्ट एयरलाइन है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है क्योंकि इन्होंने अभी रिकॉर्ड नंबर ऑफ दिए जलाए अयोध्या में। कौन सी नदी के किनारे? नदी है सरयू, और दियों की संख्या थी लगभग 6 लाख। इसमें खर्चा आया था 1.33 करोड़, 1 करोड़ 33 लाख। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है? इंडिया का स्थान है इसमें 57, और नंबर वन कंट्री है इसमें अमेरिका। अभी अभी भारत के कौन से राज्य ने स्मार्ट पोर्ट नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को सारे पोर्ट्स में भी एक्सटेंड किया जा सके? स्मार्ट पोर्ट को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश, यहां पे कई इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जैसे विशाखापट्टनम। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और नीति आयोग के बीच जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनी है, तो इस कमेटी के हेड कौन होंगे? इनके बीच डिस्प्यूट इस बात को लेकर है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है उसको कौन लागू करेगा, नीति आयोग करेगा या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी करेगा? तो इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो कमेटी बनी है उसके हेड बनाया गया है विजय राघवन को, विजय राघवन कमेटी। अभी अभी ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन जो है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि इस राज्य के हर घर में जो है वो नल से पानी आए, लोगों को दूर ना जाना पड़े, यूनिसेफ के साथ मिलकर किसने शुरू करा है ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन? ये करा है ओडिशा गवर्नमेंट ने, ओडिशा। अभी अभी ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने डिसाइड करा है कि वो वाइपर नाम का एक यान, अंतरिक्ष यान यानी रोवर भेजेगी अंतरिक्ष में, ये मून पे जाके पानी की खोज करेगा, वाइपर। ये मिशन है नासा का। और एक मिशन और याद रखिए, बेपी कोलंबो मिशन, ये है मरकरी के लिए, बुध ग्रह को स्टडी करने के लिए। ये कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जैपनीज एरोनॉटिकल एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? विजय हजारे ट्रॉफी जीती इस बार कर्नाटका ने, और कर्नाटका ने फाइनल में हराया तमिलनाडु को। यह कर्नाटका की चौथी विजय हजारे ट्रॉफी है। डेफकॉम, यह कॉन्फ्रेंस कहां पे होगा? डेफकॉम इंडियन डिफेंस का है, इंडियन मिलिट्री का है। डिफेंसकॉम हुआ नई दिल्ली में, और डिफेंस एक्सपो से इसको कंफ्यूज मत करना, डिफेंस एक्सपो होगा अगले साल 2020 में जनवरी में लखनऊ में, लखनऊ में ही। अभी अभी हिंदी राइटर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है पहली,
हिंदी राइटर्स की जो विज्ञान के जो राइटर हैं, हिंदी साइंस राइटर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई वो भी अभी लखनऊ में हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से? इस स्कूल में लगभग 55,000 बच्चे पढ़ते हैं। इसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और यह है लखनऊ में, सिटी मॉन्टेसरी। कोलंबो डिक्लेरेशन हुआ, इन्होंने डिसाइड करा है कंट्रीज ने मिलके कि नाइट्रोजन वेस्ट को हाफ कर देंगे कौन से साल तक, डेडलाइन क्या है? डेडलाइन है 2030, 2030। कौन सी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिसने विजडन इंडिया अल्मानैक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर है स्मृति मंधाना, इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था इस साल और ये क्रिक जोन नाम की मैगजीन के कवर पे भी आई थी। क्रिक जोन का जो फर्स्ट इशू आया था ये एक्सक्लूसिव वुमेन्स क्रिकेटर मैगजीन है ये क्रिक जोन। तो किस किस को मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? एक तो स्मृति मंधाना, एक है जसप्रीत बुमराह, तो हम ये भी पूछ सकते हैं मेंस में किसको मिला है। पाकिस्तान के हैं फक्र जमा, श्रीलंका के हैं दिमुथ करुणा रत्ने और अफगानिस्तान के रशीद खान। हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है विजडन के, ये विजडन की बात हो रही है आईसीसी की नहीं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में गए थे सचिन तेंदुलकर और विजडन के हॉल ऑफ फेम में गए हैं गुंडप्पा विश्वनाथ और लाला अमरनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ और लाला अमरनाथ। शक्ति एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? एक तो है इंडिया, दूसरा है फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है एक्सरसाइज शक्ति और ये हो रही है राजस्थान के बीकानेर में, राजस्थान। और फ्रांस और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है वरुण और एक और होती है जिसको बोलते हैं गरुड़। वरुण है मैरिटाइम एक्सरसाइज समुद्री और गरुड़ है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। अभी कौन सी कंपनी ने एक प्रोसेसर बनाया है बहुत ही ज्यादा पावरफुल 54 क्वांटम बिट का जिसका नाम है साइकामोर? साइकामोर को बनाया है गूगल ने और गूगल भारत के अंदर एक प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है सरकार की जिसका नाम है क्राफ्टेड इन इंडिया। जो लोग चल फिर नहीं सकते, जो डिसेबल्ड हैं, जो अपंग हैं, किसी तरह से दिव्यांग हैं और कितने साल से ज्यादा उम्र के लोग अब घर बैठे ही वोट डाल सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मोर देन 80 ईयर्स जिसकी एज है और जो डिसेबल्ड है वो घर बैठे वोट डाल सकता है। नेशनल यूनिटी डे कब होता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर। गुजरात का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात का पहला कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है? ये है गांधीनगर, कैपिटल गांधीनगर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है भारत के किस राज्य में जो छोटे किसान हैं उनको सपोर्ट करने के लिए? 165 मिलियन डॉलर का लोन है वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ये लोन मिला है ओडिशा के लिए, ओडिशा। और ओडिशा की सरकार ने कालिया योजना भी चलाई हुई है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेल्पस और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 190 मिलियन डॉलर का लोन दिया है इंडिया को राजस्थान में, वहां पे सड़कें सुधारने के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए। और एक लोन हो रहा है जो इंडिया ने दिया है कोमोरोस को, इंडिया ने 60 मिलियन डॉलर का लोन दिया है कोमोरोस कंट्री को वहां पे एनर्जी और मैरीटाइम डिफेंस कॉपरेशन के लिए। इसके अलावा भारत ने सियरा लियोन को 30 मिलियन डॉलर का लोन दिया है वहां पे इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए। तो दो कंट्रीज को लोन दिया है इंडिया ने, सियरा लियोन और कोमोरोस। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है अरविंद सिंह, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरविंद सिंह। ए से है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ए से है अरविंद सिंह। इस तरह से आप कई सारे ऑप्शंस निकाल सकते हो। सुखबीर सिंह संधू ये बने हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, जो रोड बनाता है भारत में, एनएचएआई बनाता है। मिस्टर जी के वी राव बने हैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और प्रमोद कुमार तिवारी बने हैं बिस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए चेयरमैन। तो तीनों याद रखिए, प्रमोद कुमार तिवारी, जीवी के राव और सुखबीर सिंह संधू एंड ऑफ कोर्स मिस्टर अरविंद सिंह। इसके अलावा अमित यादव ये बने हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी के डायरेक्टर जनरल यानी हेड डीजीएफटी। और विजेंदर ये बने हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अभी अभी भारत के कौन से रेलवे जोन ने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई है 42 सबर्बन स्टेशन पे, वन टच, सिर्फ एक टच में आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हो? ये करा है सेंट्रल रेलवे ने, सेंट्रल रेलवे। सखारोव प्राइज किसे मिला है 2019 के लिए? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड, ये एक उइघुर मुस्लिम व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है इल्हाम तोहटी। ये अवार्ड यूरोपियन पार्लियामेंट देता है, याद रखिए यूरोपियन पार्लियामेंट। तो इल्हाम तोहटी को मिला है ये सखारोव प्राइज। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? रेजिंग डे था इनका 24 अक्टूबर को, आईटीबीपी का।
ये चाइना तिब्बत बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है। ये था इनका 58th रेजिंग डे, 58th रेजिंग डे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना ये शुरू करी है कौन से राज्य ने? इसमें अगर किसी के घर में लड़की जन्म लेती है तो उनको कितना पैसा मिलेगा? तो ये शुरू करी है यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश ने, और लड़की पैदा होने पर 15,000 रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से, 15,000। ये है सुमंगल योजना। कौन सी कंपनी को डिजिधन मिशन के लिए फिनटेक अवार्ड मिला है? इनोवेशन के लिए, यानी कुछ नया करने के लिए, नवाचार के लिए, इनोवेशन इन डिजिटल पेमेंट्स, ये अवार्ड मिला है अभी अभी भारत पे को। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान और फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। भारत के किस राज्य ने ये स्कीम स्टार्ट करी है, अभदा स्कीम? तो ये करी है ओडिशा ने। तो ओडिशा जो है अभदा स्कीम के तहत कौन से सिटी को वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सिटी बनाएगी? ये सिटी है पुरी। पुरी अभदा है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, अभदा स्कीम। कौन सी कंपनी को महारत्न स्टेटस मिल गया है? दो कंपनियों को मिला है, एक तो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। तो आंसर है बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन ए, बी एंड सी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिला है महारत्न स्टेटस। टोटल कंपनी हो गई है महारत्न अब 10। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया, नेपाल और कौन से कंट्री के बीच? ये जो मानस नेशनल पार्क है, तीनों मिलकर उसको कंजर्व करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे। तो ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क जो मानस है असम में, इसको मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये करेंगे इंडिया, नेपाल और भूटान। इंडिया, नेपाल एंड भूटान, याद रखिए। मानस नेशनल पार्क जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम में, और काजीरंगा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम में। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, इसके दो नए ऑपरेशनल कमांड बनेंगे। कहाँ बनेंगे? एक बनेगा चंडीगढ़ में, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल, और दूसरा बनेगा असम में, गुवाहाटी में। चंडीगढ़ और गुवाहाटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE और NCERT, इन्होंने एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट लॉन्च किया है क्लास 9 और 10 स्टूडेंट्स के लिए। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा है तमन्ना, तमन्ना टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज, यानी तमन्ना। इंडियंस को अब वीजा नहीं चाहिएगा कौन से कंट्री विजिट करने के लिए? तो ब्राजील के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने, जैर बोल्सोनैरो नाम है उनका, उन्होंने कहा था इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए ब्राजील विजिट करने के लिए। और कुछ नए गवर्नर भी अपॉइंट हुए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी है। राधा कृष्ण माथुर हैं लद्दाख के, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन नई यूनियन टेरिटरी बनी है। और भारत का ओनली बुद्धिस्ट डोमिनेटेड, यानी बुद्धिस्ट यहाँ पे मेजोरिटी रिलीजन है, ये पहला भारत का स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट हैं। सत्यपाल मलिक जो हैं गोवा के बने हैं, और श्रीधन पिल्लई ये बने हैं मिजोरम के नए गवर्नर। यूनाइटेड नेशंस डे कब होता है? यूनाइटेड नेशन बनता है 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर को होता है यूनाइटेड नेशंस डे। और वर्ल्ड पोलियो डे भी इसी डे होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक इंप्रूव हो गई, अब कितनी है? हमारी जो रैंक है वो है अब 63, 77 थी लास्ट ईयर, और वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री है इसमें न्यूजीलैंड। कौन सा बैंक है जिसने अपना हेरिटेज म्यूजियम खोला है? हेरिटेज म्यूजियम खोला है अभी अभी विजया बैंक ने बेंगलुरु में। विजया बैंक, आपने BDB सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक, ये आपस में मर्ज हो गए हैं। तो विजया बैंक एक तरह से देखा जाए तो खत्म हो गया है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिल गया ये। तो विजया बैंक का हेरिटेज म्यूजियम बना है बेंगलुरु में। बेल्जियम के वो कौन सा पैरालंपिक एथलीट थी जिनको यूथेनेशिया अप्रूव हो गया, इन्होंने अपनी लाइफ एंड कर दी है यूथेनेशिया के थ्रू? इनका नाम था मैरियके वरवुल्ट, मैरियके वरवुल्ट। वो कौन सा पक्षी है जो सबसे ज्यादा आवाज निकालता है? इसकी आवाज है 125.4 डेसिबल, ये खोज हुई है अभी अभी। तो ये पक्षी कौन सा है? ये है वाइट बेल बर्ड, और ये मिलता है अमेजॉन नदी के आसपास वाले इलाकों में, जैसे ब्राजील, कोलंबिया, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे मिलता है। कौन सी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल लीफ बनाई है? ये सनलाइट की मदद से सिन गैस को बना सकती है, सिन गैस मतलब सिंथेटिक गैस। ये रिसर्च करा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, और सिन गैस जो है ये एक क्लीन फ्यूल है। फोर्थ आयुर्वेद डे कब मनाया गया? याद रखिए, आयुर्वेद डे धनवंतरी का जब बर्थडे होता है, जिसको धनतेरस बोलते हैं, उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार धनतेरस था 25 अक्टूबर को, सो आंसर है 25 अक्टूबर। और आयुष मिनिस्ट्री ने प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक शुरू करे हैं,
प्रोफेसर आयुष्मान बच्चों को मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताएंगे, औषधीय पौधों के बारे में बताएंगे। कौन से बैंक को मिला है डिजिटल मिशन डिजिटल पेमेंट अवार्ड, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। तो डिजिटल पेमेंट में इनोवेशन के लिए मिला है भारत पे को, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मिला है यस बैंक को, यस बैंक। कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जो यूनिसेफ के साथ मिलके बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल अब्यूज होता है उसके खिलाफ अवेयरनेस रेज करेंगे? तो ये हैं आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना। मिशन इंद्रधनुष जो है, जो वैक्सीनेशन के लिए है, टीकाकरण के लिए, ये स्टार्ट हो गया है, इसका सेकंड वर्जन। तो इसमें कितने उम्र के बच्चे हैं जो सारे कवर्ड हैं? तो 2 साल तक के सारे बच्चे कवर्ड हैं, अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज सारे बच्चे कवर्ड हैं, और जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो सारी कवर्ड हैं। और एक बुक अभी अभी लिखी गई है सुनीता नारायण के द्वारा, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं। इस बुक का नाम है कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसकी मदद से ये इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर रख पाएंगे और उनको इंस्पेक्ट कर पाएंगे, उनकी जांच कर पाएंगे कि वो पॉल्यूशन तो नहीं फैला रही? इस ऐप का नाम रखा है ई इंस्पेक्शन, ई इंस्पेक्शन। ग्रुप ए और बी के ऑफिसर कितने रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते बिना सरकार की परमिशन के? तो ग्रुप ए और बी के ऑफिसर 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते, और अगर ग्रुप सी का कोई एम्प्लॉई है तो वो 2,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकता। क्वेक किरोली सिमोन यानी QS रैंकिंग में भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे, और अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ HRD, उसके हिसाब से है IIT मद्रास। इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज करी जिसका नाम है सिंधु सुदर्शन, कहां पे की? सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज करी इन्होंने राजस्थान में, और सिंधु सुदर्शन को सिंधु दर्शन के साथ कंफ्यूज मत करना, सिंधु दर्शन एक फेस्टिवल होता है लद्दाख में। मर्सर मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें भारत की क्या रैंक है? पेंशन नंबर 1 कंट्री है इसमें नीदरलैंड, और भारत की रैंक है इसमें 32। पहले इंडियन व्यक्ति कौन बने जिन्होंने वुशू वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इनका नाम है प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार। और ये यहां पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैन पूछा है। अगर पहले इंडियन या पहले इंडियन वुमेन पूछते तो आंसर होता पूजा कादयान। पूजा कादयान ने 2017 में गोल्ड मेडल जीता था, और ये पहली इंडियन बनी थी या इंडियन वुमेन, दोनों कह सकते हैं, जिन्होंने वुशू वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। BSNL कंपनी को किसके साथ मर्ज कर रहे हैं? BSNL मर्ज हो रही है MTNL के साथ। BSNL की ब्रांड एम्बेसडर है मैरी कॉम। कौन सा स्टेट है जो जिसने ये कहा है कि 1 जनवरी 2021 से अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी जॉब आपको नहीं मिलेगी? यह कहा है असम ने, असम। SSC का नया चेयरमैन कौन बना है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनका नाम है ब्रजराज शर्मा, ब्रजराज शर्मा। और हमारे पावर सेक्रेटरी नए बने हैं संजीव नंदन सहाय, संजीव नंदन सहाय। पंकज कुमार ये बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, आधार को लागू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन UIDAI। प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स फोरम के लोगों से मिले, तो वहां पे उन्होंने 3 D डिस्क्राइब किए। ये 3 D कौन से हैं? ये 3 D हैं डेमोक्रेसी डेमोग्राफी और दिमाग। तो आंसर है D, डेमोक्रेसी डेमोग्राफी एंड दिमाग। भारत ने कौन सा बैटलफील्ड है जो टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया है? भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को ओपन कर दिया है टूरिस्ट के लिए। कनाडा में सरकार किसकी बनी है? तो कनाडा में सरकार बनी है लिबरल पार्टी की, हेडेड बाय जस्टिन ट्रूडो। तो जस्टिन ट्रूडो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं कनाडा के, इनको सपोर्ट मिला है NDP से, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके चीफ हैं जगमीत सिंह। नारुहितो ये कौन से देश के राजा बन गए हैं? इससे पहले इनके फादर थे अकीहितो, यहां के राजा, अब नारुहितो हैं। इसी के साथ नए युग स्टार्ट हो गया जिसको बोलते हैं रेवा, और गद्दी को बोलते हैं क्राइसेंथिमम, क्राइसेंथिमम थ्रोन। बात हो रही है जापान की। दुनिया का सबसे लंबा फ्लाइट ये न्यूयॉर्क से कहां पे गया? ये गया न्यूयॉर्क से सिडनी, 19 घंटे 16 मिनट में दूरी तय करी इन्होंने, और ये फ्लाइट कौन सी कंपनी का था? कैंटास, जो ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन कंपनी है। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु, इसका उद्घाटन कहां किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, तो इसका उद्घाटन किया लद्दाख में। सो आंसर है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। कौन सा कंट्री है जिसने मैन सुल्तान
ऑफ जोहर कप हॉकी जीता है। इस बार ये जीता ग्रेट ब्रिटेन ने और ब्रिटेन ने फाइनल में हराया इंडिया को। 18th नैम समिट ये कहां पे हुआ? नॉन अलाइन मूवमेंट समिट। ये समिट हुआ अजरबैजान की राजधानी बाकू में। सो आंसर है बाकू। अजरबैजान के एक चेस खिलाड़ी हैं तीमूर राजाबोव, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है मेंस, ये भी याद रखिए तीमूर राजाबोव, और वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता भारत की कोनेरू हम्पी ने। रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन, इसमें पहली नॉन इंग्लिश फिल्म कौन सी है जो इसके 148 ईयर्स के इतिहास में दिखाई गई है? सिर्फ इंग्लिश फिल्में चलती हैं यहाँ पे, लेकिन पहली बार एक नॉन इंग्लिश फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म का नाम क्या है? इसका नाम है बाहुबली द बिगनिंग, जो बाहुबली का पार्ट वन था वो। इसको डायरेक्ट करा है राजमौली ने। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने कौन सा कैंपेन स्टार्ट करा है भारत में हंगर और मैलन्यूट्रिशन को रोकने के लिए? इसका नाम रखा है फीड आवर फ्यूचर। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम में। रोम में ही हेडक्वार्टर है एफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1 नवंबर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट उन सब कंपनियों के लिए माफ कर दिया गया जिनका टर्नओवर कितने से ज्यादा है। तो अगर 50 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है, 50 करोड़ से ज्यादा कमाती है हर साल, इसका मतलब टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको एमडीआर नहीं देना पड़ेगा। कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक ड्रग बनाई है जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए बनाई है? इसका नाम है प्रीटोमैनिड। ये कंपनी है माइलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीटोमैनिड। वेंकैया नायडू ने मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड किसे दिया? मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड मिला है मिस्टर के परसरन को। के परसरन ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं। सुदर्शन चक्र वाहिनी ये एक एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी ने किया है, कहां पे? ये किया जैसलमेर में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड करा है कि अब सिर्फ रिटन एग्जाम होंगे, इंटरव्यू नहीं होंगे पीएससी के लिए, उस स्टेट के लोक सेवा आयोग के लिए? आंध्र प्रदेश में, याद रखिए, अब इंटरव्यू नहीं होंगे एपीपीएससी में, सिर्फ रिटन एग्जाम होगा। भारत ने टारगेट रखा है कि वो इथेनॉल मिलाएंगे 10% पेट्रोल में, कौन से साल तक? ब्लेंडिंग टारगेट है हमारा ये 2022 तक। प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? बंगाल वॉरियर ने जीता और इन्होंने फाइनल में हराया इस बार बेंगलोर वॉरियर ने दबंग दिल्ली को। भारत के 65th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? 64th बने थे प्रीतु गुप्ता और 65th बने हैं रौनक साधवानी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने टारगेट रखा है कि भारत 35,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा, कौन से साल तक? भारत करेगा ये 2024 तक। तो ये हमारा टारगेट है 2024 तक, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है 35,000 करोड़। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चींटी खोजी है जो सबसे तेज दौड़ती है, पूरी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटियां, ये इन्होंने खोजी है डाउज एरिया में। ये डाउज एरिया कहां पे है? इनका नाम है सहारन सिल्वर एंट, यानी सहारा के मरुस्थलों में। तो ये कंट्री खोजी है, ये कंट्री जो है टूनिशिया, ये जो एंट खोजी है टूनिशिया कंट्री में खोजी है, टूनिशिया जिसकी कैपिटल है टूनिस। नासा की फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन है जिन्होंने स्पेस वॉक किया? स्पेस वॉक किया अभी 2 एस्ट्रोनॉट ने, क्रिस्टीना कोच और जैसिका मेयर। क्रिस्टीना कोच और जैसिका मेयर, तो आंसर है ए एंड बी। इसको ईवीए भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्पेस वॉक को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी भी बोलते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हेड कौन बने हैं, डायरेक्टर जनरल? इनका नाम है अनूप कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह। अंडमान निकोबार में भारतीय जो सेना है उन्होंने एक युद्ध अभ्यास किया, उसका नाम क्या है? इसका नाम रखा डेंक्स, DANX डेंक्स। नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी क्वालिटी सर्वे के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य है जिसमें दूध में सबसे ज्यादा मिलावट होती है? यह राज्य है तेलंगाना। YSR नवोद्यम स्कीम कौन से राज्य ने शुरू करी है? YSR वाहन मित्र, YSR नवोद्यम, ये सब स्टार्ट करी है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन कौन बना है? इनका नाम है रजनीश कुमार, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं, SBI। इंडिया म्यांमार के बीच नेवल एक्सरसाइज होती है इमनेक्स, ये कहां पे हो रही है? ये हो रही है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और 2 व्यक्ति याद रखिए म्यांमार के, एक तो है वा लोन और एक है क्याओ सो ओ। इन्हें मिला था इस साल गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। 91st इंटरपोल जनरल असेंबली 2020 में कहां पे होगी? ये इस बार होस्ट करेगा इंडिया। इंटरनेशनल पुलिस को बोलते हैं इंटरपोल, तो इनकी मीटिंग 2020 में इंडिया में होगी। नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स है वो स्टेट्स की कैटेगरी में किसने टॉप किया है?
यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है दिल्ली ने और स्टेट में किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य है। तो बेस्ट स्टेट है कर्नाटक और सबसे बेकार है झारखंड। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली है बेस्ट और लक्षद्वीप है वर्स्ट, और छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम है बेस्ट और मेघालय है वर्स्ट। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसके वाइस चेयरमैन एक इंडियन को बना दिया गया, इनका नाम क्या है? वर्ल्ड स्टील के चेयरमैन बने हैं सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल, क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? इंडियन आर्मी जो है उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं जितने भी उनको डिजिटल बनाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव शुरू करा है? इसका नाम रखा है ओएसएस। ओएसएस है ऑफिसर्स ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओएसएस। जाफना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से कंट्री में खुला है? जाफना इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है श्रीलंका में। अभी अभी कौन सा कंट्री है जिसने तुलागी नाम के आइलैंड को किराए पे ले लिया है सोलोमन आइलैंड से? तुलागी आइलैंड को किराए पे लिया है चाइना ने। ब्लू स्टार ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ब्लू स्टार एसी की कंपनी है, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, इसके 100 साल पूरे हो गए अभी, तो इन्होंने कितने रुपए का एक पोस्टल स्टैंप लॉन्च करा है? इस खुशी में इन्होंने 5 रुपए का एक पोस्टल स्टैंप लॉन्च करा है। याद रखिए, इसको 100 साल पूरे हो गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन को। और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में स्टार्ट होने वाला है, 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इस बार जो पार्टनर कंट्री है वो है अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है चेनानी नशरी सुरंग, जम्मू कश्मीर में NH-44 पर है ये, नेशनल हाईवे 44, तो ये गाड़ियों वाली सुरंग है चेनानी नशरी। इसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे होगा, जो बीजेपी के फाउंडर थे। जब बीजेपी बनी थी तो इसका नाम था जनसंघ। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने जो ट्राइबल लोग हैं उनकी मदद करने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम इन्होंने रखा वन धन, वन धन। और अर्जुन मुंडा जो है हमारे मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर है, उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी। माइंड मास्टर बुक किसने लिखी है? माइंड मास्टर लिखी है 5 बार वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने। एक एक्सरसाइज हमने करी अभी अभी, ईस्टर्न ब्रिज, ये किस कंट्री के साथ करी? ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और ओमान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज कहां पे हुई? और ये हुई ओमान के अंदर ही। कौन सा शहर है जहां पे वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस होगी 2020 में? वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस होगी बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? सबसे खराब कंट्री है इसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसकी रैंक है 117। तो भारत का स्थान है इसमें 102, 102। नेट जीरो, इंडियन रेलवेज जो है उन्होंने कहा है कि वो कार्बन एमिशन उनका नेट जीरो हो जाएगा, यानी जितना कार्बन वो एमिट करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, कौन से साल तक? तो ये साल है 2030। खोन रामलीला ये यूपी में आयोजित की गई, कौन से कंट्री की रामलीला को बोलते हैं खोन रामलीला? ये थाईलैंड की रामलीला है खोन। आईसीसी ने कौन से 2 कंट्री हैं जिनको रीएडमिट कर लिया है, पहले सस्पेंड कर दिया था पर अब दोबारा क्रिकेट खेल पाएंगे? ये हैं जिम्बाब्वे और नेपाल, जिम्बाब्वे और नेपाल। और 2 कंट्री हैं जिनको वनडे मैच स्टेटस दे दिया है, अमेरिका और ओमान। अब ये क्रिकेट खेल सकते हैं वनडे मैच, अमेरिका और ओमान। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने? इनका नाम है JPS चावला, JPS चावला। इन्होंने रिप्लेस करा है गिरिराज प्रसाद गुप्ता को। भारत के किस राज्य में HIV फैलने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट प्रेवलेंस है HIV का? तो पहले नंबर पे इस पे जो राज्य है वो है मिजोरम, मिजोरम, ये है पहले नंबर पे भारत के अंदर। दूसरे नंबर पे है मणिपुर, तीसरे नंबर पे है नागालैंड। भारत कितना पैसा खर्चेगा विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए? टोटल भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव है, तो उनमें जो पैसा खर्च होगा सब में वो होगा 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ यानी 25 ट्रिलियन रुपीज। गोल इनिशिएटिव ये कौन सी कंपनी ने शुरू करा है? इसमें 5,000 महिलाएं जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से आती हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी, ये स्टार्ट करा है फेसबुक ने, गोल इनिशिएटिव। भारत और जापान के बीच शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज कहां पे हो रही है? ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई अभी अभी शिन्यू मैत्री वेस्ट बंगाल में, सो आंसर है वेस्ट बंगाल। ये हवाई युद्ध अभ्यास है यानी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। मास्टर कार्ड का कैंपेन है टीम कैशलेस इंडिया, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी, ये रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं MS धोनी।
पहला बैट्समैन, सबसे कम उम्र का बैट्समैन कौन बना जिसने डबल सेंचुरी बनाई है लिस्ट ए वनडे क्रिकेट में? इसका नाम है यशस्वी जायसवाल। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी फूड सेफ्टी स्कीम लॉन्च करी है फूड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए? इसका नाम रखा गया है मित्र, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम। भारत और चाइना, इन्होंने सिस्टर स्टेट रिलेशन एग्रीमेंट साइन करा है फुजियान प्रोविंस के साथ, कौन से स्टेट ने करा है? तो ममल्लापुरम में हुई थी इनफॉर्मल समिट, तो ये तमिलनाडु ने किया है, ममल्लापुरम है तमिलनाडु में। फुजियान और तमिलनाडु के बीच हुआ है सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट। और न्यू जर्सी ने भारत के दो स्टेट्स के साथ किया है, तेलंगाना और गुजरात के साथ। इसके अलावा गुजरात ने डेलावेयर स्टेट के साथ भी सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट किया है। जापान में कोबे शहर ने किया है अहमदाबाद के साथ, और दिल्ली और मॉस्को ने किया है सिस्टर सिटी या ट्विन सिटी एग्रीमेंट। क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन किसने अभी अभी अडॉप्ट करी? क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन अडॉप्ट करी है C40 ने। C40 समिट जो हुआ था इनका कोपेनहेगन में हुआ था, डेनमार्क में। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब होता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर। अभी अभी कौन सी एयरलाइन है जो पहली एयरलाइन बनी है जिसने टैक्सी बॉट का इस्तेमाल किया प्लेन को उठाने के लिए? ये होता है टैक्सी बॉट, आप देख सकते हैं प्लेन के आगे वाले पहिए के नीचे लगा है, ये है टैक्सी बॉट। तो ये इस्तेमाल किया एयर इंडिया ने। पहली ब्लैक वुमेन जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है उनका नाम क्या है? इनका नाम है बर्नार्डिन अवरिस्टो। यहां पे आप देख सकते हैं ये है बर्नार्डिन अवरिस्टो, ये पहली ब्लैक वुमेन है जिन्होंने बुकर जीता है, गर्ल वुमेन अदर इसके लिए। और सबसे ज्यादा उम्र की लेडी जिन्होंने जीता है बुकर उनका नाम है मार्गरेट एटवुड, और ये कनाडा की हैं। तो दोनों के नाम आपको एकदम अच्छे से याद रखने हैं, बर्नार्डिन अवरिस्टो और मार्गरेट एटवुड। बर्नार्डिन अवरिस्टो जो हैं ये इन्होंने अपनी बुक, इनकी जो बुक है गर्ल वुमेन अदर उसके लिए जीता है, और मार्गरेट एटवुड की बुक है द टेस्टामेंट। एक बुक और आपको याद रखनी है जो नॉमिनेट हुई थी पर उसने जीता नहीं पुरस्कार, वो है किशोट। किशोट को लिखा है सलमान रश्दी ने, सलमान रश्दी। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बुक किसने लिखी है? ये लिखी है अभिजीत बैनर्जी और उनकी वाइफ एस्थर डफलो, जिन्हें इस साल नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। भारत ने 4 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड जीते हैं अभी अभी, विक्रम साराभाई लाइब्रेरी आई एम अहमदाबाद, केनेसेथ एलियाहो साइनागॉग मुंबई, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च मुंबई, और फ्लोरा फाउंटेन मुंबई। तो 4 में से 3 मुंबई में है और एक है आई एम अहमदाबाद की लाइब्रेरी जो विक्रम साराभाई के नाम पे रखी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा नोट है जो छापना बंद कर दिया है? 2000 रुपए का नोट छापना बंद कर दिया है आरबीआई ने। और आरबीआई के नोट 4 जगह छपते हैं इंडिया में, नासिक, देवस, मैसूर और सलबोनी। कौन सा कंट्री है जिसकी कंपनी टोटल उन्होंने अदानी गैस में 37% हिस्सा खरीद लिया है? ये खरीदा है अभी अभी फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है टोटल इसने। सो ये था ये हमारा क्विक रिविजन वीडियो बेस्ट MCQ अक्टूबर महीने के Part 2। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। अब से ये वीडियो सिर्फ पेड यूजर के लिए है, हमारे प्रीमियम यूजर्स के लिए है, तो आप इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिए, 2-3 बार देख के जाइए एग्जाम में, और आप देखेंगे कि 99% क्वेश्चन इसी एक वीडियो से होंगे, चाहे आप भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जो Scale 2, Scale 3 और Scale 4 के लिए। तो मिलते हैं वीडियो में, याद रखिए ये वीडियो शुद्ध हिंदी में और प्योर इंग्लिश में भी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी IQ प्रीमियम।